अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शेख मज़ार। आप देख रहे हैं एसएसए के न्यूज़। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। मेरा नाम मोहम्मद जाफ़र अली है, मैं जोमेटो में डिलीवरी बॉय कर रहा हूँ। और ये जो है कल मेरे को एक ऑर्डर आया था जो रॉयल जूस सेंटर से, वो कैंसिल हुआ है। वो कैंसिल होने के बाद में कस्टमर के लोकेशन पे जाने के बाद में जो कस्टमर मिसबिहेविंग करा है और जो है ऑर्डर के जो है कैंसिलेशन कर देंगे, उसके पैसे होना पड़ रहा है, पैसे नहीं दिए तो ऑर्डर दे देंगे आप, नहीं तो पेनल्टी भरो बोल के मेरे को ऐसा टॉर्चर करा उन्होंने। कौन से एरिया में हुआ भैया? ये ख़याम नगर में पिलर नंबर 176 एसडीआर गार्डन के बैक साइड मिलियम प्लाजा है। हुआ क्या था उस टाइम पे? आप गए वहाँ पर तो हुआ क्या आपके साथ? मेरे साथ देखो लोकेशन दूसरा डाले हम लोग, दूसरा डाल के जैसा ऊपर जाके ऊपर ऑर्डर कैंसिल करके नीचे उतरे, नीचे उतरते हमने ऑर्डर कैंसिल करने के लिए गाड़ी पर चार जने पड़ गए, टोटल 12 जने थे। उन्होंने ऑर्डर क्या करे ले लेके, नहीं मेरा पैसे दो ना तो ऑर्डर दे दो बोल के बोले इनको, तो इन्हों क्या करे हैबत के हमारे आधा घंटा पकड़ लिया उनको, तो उन्होंने दे दिया चलो भाई जान दो कल जल्दी में बोल के। तो आज कंप्लेन करे हम, कंप्लेन करे तो हमारे को रिस्पांस आया यहाँ दिए, अब टीएल साहब को हमने दिए तो उन्होंने अभी तक नंबर नहीं दिया, अब नंबर देते बोले बच्चे का। वो कौन से पीएस में कंप्लेन दी? राजेंद्र नगर में कंप्लेन दिए हम लोग कल रात में। इमीडिएटली हमको कंपनी की तरफ से कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला हमारे को रात में, इस वजह से हमारा तकरीबन एक घंटा डेढ़ घंटा रात में डिले हो गया हम लोगों का वहाँ पे। कंपनी का अगर हमको टाइम पे अगर रेस्पॉन्स मिलता तो हम लोग कस्टमर सर्विस अच्छी प्रोवाइड कर सकते। कस्टमर सर्विस देना बोलता हम कंपनी की सर्विस हमारे को अच्छी मिलना, हम लोग कंपनी की सर्विस नहीं मिल रही। ऊपर से हमारे को कल रात में जैसा इनके साथ हादसा हुआ, वही हादसा हम किसी और के साथ हुआ था, कभी किसी की जान भी चली जाती हुई हादसे में। वो लोग क्या थे वो तो कल फुल गांजे के नशे में, वाइट नर्स थे वो लोग, अब उनसे हम लड़ना बोले तो हमको नहीं जमती वो बात। हमारा काम है हम ये देना चले आना ऑर्डर, वो फेक लोकेशन डाल के जो है सो हमारे को बुला के ऑर्डर ना छीन लेना, ऊपर से नहीं देते ऑर्डर कंप्लेंट करते हम लोग तो क्या करते कह लो बोल के फोटो भी खींच रहे हम लोगों के। वो लोग कंपनी को बोले तो कंपनी वाले हमारे साथ जो है सो कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हम लोगों को। क्या बोल रहे हैं कंपनी वाले? वो टिकट रेस करो, SMS करो, टिकट रेस करो। हम किसको पढ़ने आता, किसी को पढ़ने नहीं आता, चैटिंग करने में टाइम लगता, इतनी देर में आगे वाला हमको आगे मार के भी चले आता, उसके बाद में रिस्पॉन्स आने का क्या फायदा हमारे को। हम लोग ये चाह रहे ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में कंपनी एक ऐसी हेल्पलाइन निकालना ताकि हमारे को इमीडिएटली रिस्पॉन्स होना उससे, ताकि हम सेफ रहना। अगर हम सेफ है तो आप सेफ है भाई। फिलहाल ये पैनाडेमिक सिचुएशन है, इसके अंदर हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसा कि आप मीडिया वाले हैं, पुलिस वाले हैं, पब्लिक को हेल्प करने के वजह से पैनाडेमिक में जो है सो आप लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हम भी वही सोच के पब्लिक बाहर नहीं निकलना ऐसे माहौल में बोल के हम लोग भी जो है सो घरे घर ले गए खाना पार्सल कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद में भी हमारे साथ ही हादसा हो रहा और ऊपर से कंपनी हमारे को जो है सो सही रिस्पांस नहीं दे रही, हमारी कोई जान की फिक्र नहीं है, तो क्या जिम्मेदारी है कंपनी की? बस आप लोगों के जरिए हम ये कंपनी को बोलना चाह रहे कि हमारे को एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करो, डायरेक्ट सर्विस दो, हमको एक अच्छी हेल्पलाइन दो, और हमारे साथ जो हादसे हो रहे बस हादसों से हमको होने से बचाओ। जो कैंसिलेशन हो रहे वो कैंसिलेशन को रोक दो, आप कैंसिल होने मत दो ऑर्डर, वो आप कैंसिलेशन होने दे रहे हो, उसकी वजह से हमारे को प्रॉब्लम हो जा रही, पेनल्टी हमारे को, जान पे हमारे को धोखा, क्योंकि हमारी भी तो फैमिली है। अगर हम कुछ हो जाएंगे तो फैमिली को कौन रिस्पॉन्स देगा? बस हम कंपनी से कंपनी के बारे में तो बोल दिया आप, आपका PS को अपना लिख लिया, हम लोग कंप्लेन लिखे तो फोन आता है, इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी का फोन आता है, इंक्वायरी वाला होने के बाद में पूरी इंक्वायरी करे बाद बच्चों को बुलाते बोले। जो रात में जो प्रॉब्लम क्रिएट करे थे कस्टमर जो बुला के 8-10 जने, उनका कॉन्टेक्ट नंबर आता कंपनी की तरफ से, अभी वो आने के बाद में जो है सो शेयर करो, उसके बाद में हम लोग कार्रवाई शुरू करके कौन है वो लोग बुला के PS को लेके आएंगे। चौधरी रेड्डी बोल के नाम डाल के ऑर्डर करे फेक ऑर्डर हो, फेक नेम फेक एड्रेस है लोगों का, बस ऐसे फेक एड्रेस से भी हमारे को थोड़ी सेफ्टी होना हमारे को।